कांवड़ यात्रा के दौरान खूबसूरत रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई अपनी स्कूटी पर भगवान को विराजमान किए हुए है तो कोई भोलेनाथ का सिंहासन अपने सिर को ही बनाए हुए है। महादेव के ऐसे भक्त कांवड़िए मिले जिन्होंने अपनी टू व्हीलर पर भोलेनाथ को स्थापित किया है। खूबसूरत फूलों के साथ ही स्कूटी वाली कांवड़ को तैयार किया। त्रिशूल तो इतना खूबसूरत लग रहा है कि आपका नजरें हटाने का दिल ही नहीं करेगा। गाड़ी पर बकायदा गीत संगीत भी बजता रहता है। जिधर से भी ये स्कूटी वाली कांवड़ गुजर रही है, लोग रुक रुक कर इसे देख रहे हैं। कांवड़ के निराले रंग देखने को मिल रहे हैं। दिनों दिन कांवड़ का रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। अपनी गाड़ी को सजा धजा कर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत, महादेव के गीत अपनी गाड़ियों में बजाकर चल रहे हैं। इस गाड़ी को आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने अपनी स्कूटी को सजाया है और भोलेनाथ की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया है। स्कूटी में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ज़रा गाना भी बजा दीजिए, कौन सा गाना बजा रहे थे। बाकायदा बैटरी भी लगा रखी है अपनी स्कूटी पर और त्रिशूल कितनी खूबसूरती के साथ सजाया गया है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। डमरू को कितनी खूबसूरती के सजाया गया है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी कांवड़ को सजा सजा कर कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। खूबसूरती बस देखते ही बनती है। आप देखिए कैसे फूलों के साथ यहाँ पर सजाया गया है इस कांवड़ को और बेहद ही खूबसूरती के साथ ये लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कांवड़ के रंगों की, कांवड़ के निराले रंग कैसे देखने को मिल रहे हैं ये आप इन तस्वीरों में देखिए। बाइक को बहुत बढ़िया आपने सजाया है, त्रिशूल पीले रंग का और डमरू पीले रंग का और फूलों से, तो बड़ी मेहनत लगी होगी इसको सजाने में। भोले का आशीर्वाद है, भोले का आशीर्वाद। डमरू यहाँ पर आजकल खूब बिक रहे हैं और एक से बढ़कर एक मुखौटे, जिसे कहते हैं कि देख करके आपको नज़रें हटाने का दिल नहीं करेगा, ऐसे मुखौटे आप अपनी तस्वीरों में देख सकते होंगे, इन तस्वीरों में देख सकते होंगे। साहिल हैं आप देखिए, पैरों में घुंघरू बांधे हुए हैं कि रास्ते में कहीं नींद ना आ जाए तो वो झंकार से इनकी नींद भी निद्रा भी टूट जाए, इसलिए पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं। और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को कंधे पर उठा करके आप हरिद्वार से चले हैं और रानीबाग दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग कांवड़ देखिए, जैसे भोलेनाथ की ये कांवड़ आप देखिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ही हरदोई पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिल रहा है। पीआरवी पर तैनात एक कांस्टेबल कांवड़ियों की सेवा में जुटे हैं, जलपान कराने के साथ ही कांवड़ियों के घावों पर मरहम पट्टी कर रहे हैं। कांस्टेबल के मुताबिक तनख्वाह से मिलने वाले पैसों से वो कांवड़ियों की सेवा करते हैं। हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेले की धूम है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को लौटते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांवड़ के जरिए संदेश देने का चलन भी बढ़ा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में भव्य और आकर्षण कांवड़ देखी जा रही है, जिसमें कोई राम मंदिर मॉडल की कांवड़ तो कोई कांवड़िया सोमनाथ मंदिर की कांवड़ तो कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा को ही कांवड़ के रूप में ले जा रहा है। दिन के समय भव्य मंदिरों के मॉडल वाली कांवड़ लोगों का ध्यान खींचती है, तो वहीं रात के समय लेजर लाइटों से जगमग आकर्षण कांवड़ मन को मोह लेती है। धूमधाम से निकल रही ये कांवड़े 1 लाख से लेकर 40 लाख तक की लागत से बताई जा रही है। उपासना मंदिर के लिए बनी है, इसको स्नान करा के कांवड़ के साथ हम लोग वापस लेके जा रहे हैं शिव शक्ति धाम डासना। ये तो ब्रास की है, काफी महंगी है, ये हम लोग पिछले 1 साल से बनवा रहे हैं। पीछे कुछ भी रहा नहीं है, भोले बाबा की कृपा है और ऐसे ही लाते रहेंगे जैसे ला रहे हैं, हर बार कुछ अच्छा दिखाएंगे। कितना खर्चा आया होगा इस कांवड़? ये टोटल एस्टीमेट होगा तकरीबन 5 लाख के लमसम। यूपी के बागपत जिले से पहुंचे कांवड़ियों का दल हरिद्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांवड़ लेकर रवाना हुआ। कांवड़ियों के दल के 2 भाइयों में से एक ने प्रधानमंत्री की प्रतिमा को कंधे पर बैठाया, जबकि दूसरा भाई भगवान शंकर की प्रतिमा के साथ जल लेकर रवाना हुआ। उसका कहना है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ही उन्होंने मोदी के नाम की कांवड़ ले जाने की ठान ली थी। हम दोनों भाइयों ने ये निश्चय करा था कि जब राम मंदिर हिंदुओं को समर्पित मोदी जी ने करा था और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो हमने सोचा था कि गंगा स्नान करा के हम इनको जरूर लेके आएंगे।
इस समय हरिद्वार में कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और यहां आस्था के कई नजारे देखने को मिल रहे हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा और क्षमता के मुताबिक कांवड़ लेने पहुंच रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के कट्टर समर्थन भी अनोखी कांवड़ के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उधर झांसी में लोगों ने फूल बरसाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। ये कांवड़िये ओरछा धाम से बेतवा नदी का जल लेकर झांसी से होते हुए नर्मदेश्वर मंदिर जा रहे थे, जहां रास्ते में शिव भक्तों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने बम बम भोले के जयकारे के साथ शिव भक्ति में लीन कांवड़ियों पर फूल बरसाए। अब डाक कावड़ चलनी शुरू हो चुकी है। वहीं रुड़की पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से इस रूट प्लान को लागू कर दिया है, क्योंकि बंगलौर बाईपास पर अब दोनों तरफ कावड़ियों ने कब्जा कर लिया है, जिससे पुलिस ने डाक कावड़ का रूट नगला इमरती से हरिद्वार के लिए डाइवर्ट कर दिया है। वहीं SSP के भी रूट का निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों के रूट निर्धारित किए गए हैं, साथ ही 4 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। नगला इमरती इसी पॉइंट से सारा ट्रैफिक डाइवर्जन हमारा बैरागी कैंप की ओर को वायल अक्सर होते हुए जाएगा, और हैवी व्हीकल के लिए भी हम लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो खासकर इंडस्ट्रीज के लिए जो व्हीकल हैं उनका विंडो को थोड़ा शॉर्ट और कर दिया गया है। इस संबंध में पूर्व में 2 दिन पहले जो हमारे रोडवेज के स्टेशन थे उनको भी अलग अलग जगह पर प्लेस किया गया था। प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पंचायत के तुगलकी फरमान पर पति ने पत्नी को पेड़ से बांधकर पहले उसके मुंह पर कालिक पोत दी और बाल भी काट दिए और चप्पल की माला पहनाई। दरअसल महिला पर गांव के युवक से अवैध संबंध होने का शक था, जिस वजह से उसे तालिबानी सजा दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में तनाव देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आरोपी पति प्रधान समेत 22 लोगों पर केस दर्ज किया। खोला 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 जल्दी बैठे पटेल व उसके परिवार के सदस्य में कुछ गांव वालों की पंचायत हुई, संबंध थे तो उनसे फोन से बातें करती थी। इसी बात को लेकर उसका पति व परिवार वाले मना करते थे। इस बात पर उसको वहां पर स्थित पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए, चेहरा काला कर दिया गया तथा पिटाई भी की गई। सुसंगत धाराओं में 20 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया, जिसमें 15 नफर अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शेष 5 की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से फरार शातिर बदमाश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया, जिसमें बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान एजाज उर्फ मुन्ना डॉन के रूप में हुई है, जिस पर कई थानों में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी। कि काली नदी के पुल के पास से एक लाल कलर की अपाचे मोटरसाइकिल पर ये जो वारंटी है ये वेलना की तरफ जा रहा है। सूचना मिलने पर तुरंत जो चौकी प्रभारी थे श्री रामदीप जी वो वहाँ पर पहुँचे और इसका पीछा किया। इसका जब पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचे तो ये खेतों की तरफ मुड़ आया, और जब पुलिस ने रुकने को कहा तो ये रुका नहीं, उल्टा इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की, जिसमें ये घायल हो गया। इसको तुरंत उपचार के लिए भेज दिया गया।